सो हे गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ में एक क्विक वॉक अराउंड रिव्यू शेयर करने वाला हूँ इस 2020 रॉयल एनफील्ड सिग्नल्स का। इस बाइक की प्राइस रखी गई है इंडियन मार्केट में 1,75,200 रुपीज़। कैटालिटिक कन्वर्टर इस गाड़ी के अंदर ऐड कर दिया गया है, एग्जॉस्ट सिस्टम में आप देख सकते हैं। फ्रंट जो है ओवरव्यू ले लेते हैं पहले इस बाइक का, फिर पीछे की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर दिखने में बिल्कुल बाइक सेम है, कॉस्मेटिक कोई भी अपडेट्स नहीं किए गए हैं। सेम जो है प्रोफाइल के टायर यहाँ पर कंपनी ने यूज़ करे हैं, 1990 टायर फ्रंट में दिया गया है जो कि ABS से लेस है। 300 mm की डिस्क ब्रेक्स दिए हुए हैं, साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स भी यूज़ किए गए हैं एंड ABS की बैजिंग दी हुई है। साइड इंडिकेटर्स वही रेट्रो फिनिश में आपको हेडलाइट मिल जाती है जो कि की ऑन करते से ही ऑन हो जाती है, एंड पोजिशनिंग लैम्प ऑन होते हैं जब आप बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, दो कलर में आती है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड सैंड कलर जो आप देख रहे हैं सामने, यहाँ पर आरी का लोगो जो कि अगेन बहुत ही अच्छा लगता है, एंड साथ ही एक ब्लू कलर भी अवेलेबल है इस बाइक के अंदर। ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में पूरा ये इंजन दिया गया है, 346 cc का एयर कूल्ड इंजन है जो कि 19 bhp की पावर जनरेट करेगा, 28 nm ऑफ टॉर्क के साथ में, 5 स्पीड का मैनुअल गेयरबॉक्स, आरी की बैजिंग इंजन पर भी दी हुई है, एंड साथ ही सेल्फ स्टार्ट सिस्टम भी दिया हुआ है, किक स्टार्ट भी अवेलेबल है। क्रोम का कई जगह यूज़ किया हुआ है कंपनी ने इस गाड़ी के अंदर, बट रिचनेस जो है वो इस गाड़ी की बरकरार है आज भी। ब्राउन शेड के अंदर सीट्स दी हुई है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करेगी आप लोगों को, साइड में ही सारी गार्ड। यहाँ पर रियर प्रोफाइल जो है वो आप देख सकते हैं, 110/90/18 टायर रियर में दिया हुआ है। इसके अंदर टायर प्रोफाइल अपग्रेड नहीं हुई है जैसे कि क्लासिक 350 में हुई है ग्रीश एडिशन में, उसका भी रिव्यू चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। रियर में भी आपको जो है डिस्क ब्रेक और साथ ही ABS यानी कि ड्यूल चैनल ABS, सीट की कुशनिंग बहुत अच्छी है, नीचे स्प्रिंग्स भी दी हुई है राइडर के कम्फर्ट के लिए। रियर में भी जो है वही रॉयल एनफील्ड का रेट्रो लुक कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड किया गया है, जो रियर टेल लैम्प है वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, ऑलमोस्ट डिज़ाइन जो है सिमिलर है पहले जैसी। और यहाँ पर अगेन आरी की बैजिंग सीट पे दी हुई है, कुशनिंग बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल राइडिंग प्रोवाइड करती है, बस वाइब्रेशन जो है वो थोड़े से कम हुए हैं, पर बहुत ज़्यादा कम होने की एक्सपेक्टेशन थी। साउंड जो है सुन लेते हैं, ये है रॉयल एनफील्ड सिग्नल्स का साउंड जो कि BS6 कंप्लाइंट है। यहाँ पर आपको वही ओल्ड स्कूल एनालॉग मीटर मिलता है, साथ ही अब आपको फ्यूल लो फ्यूल वार्निंग की लाइट मिल जाएगी एंड माल फंक्शन लाइट भी यहाँ पर दी गई है। ये है इंजन किल स्विच, सभी स्विचेस की क्वालिटी सेम है जो कि काफ़ी अच्छी है, जैसी पहले थी वैसी अभी भी है और वो अच्छी है। पास स्विच, इंडिकेटर स्विच, हॉर्न, यहाँ पर मिरर्स में क्रोम के ऑप्शंस भी अवेलेबल है। सो गाइज, ये था 2020 रॉयल एनफील्ड BS6 सिग्नल्स का वॉक अराउंड रिव्यू। सभी डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब अगर आप लोगों को इस बाइक से रिलेटेड कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही एक बेस्ट प्राइस के अंदर अगर आप लोगों को बाइक्स को परचेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, उस पर कॉल करके आप बेस्ट प्राइस में रॉयल एनफील्ड के कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, सभी अपडेट्स मैं वहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। एंड फर्स्ट टाइम मुझसे मिल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर दें ताकि सभी अपडेट्स आप लोगों को नोटिफिकेशन सेंटर में मिल जाए, कोई भी अपडेट्स आप लोग मिस ना करें। मैं कास बाइक स्कूटर से रिलेटेड ऐसी न्यूज़ रिव्यूज कंपैरिजन वाली वीडियो रोज लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड हाँ फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ।